तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूं आपके एक और नई वीडियो में। तो गाइज निकल चुके हैं हम लोग राइड पे और भाई आज चला रहे अपनी सेरा को। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था इमरान भाई अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल को चलाओ, तो भाई आज लेके निकले अपने इलेक्ट्रिक साइकिल को। थोड़ी सी गंदी हो चुकी है साइकिल, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको साफ़ कर लेंगे। आजकल मैं थोड़ा सा कम चला रहे आजकल इस साइकिल, जब से वाइपर आई है तो वाइपर ही चल रही है, मोटर चल रही है। तो सब साइकिल को प्यार प्यार से चलाना भी पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है सभी साइकिल को। और फिलहाल आज भाई धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। वक्त के हिसाब से तो हम लोग सही टाइम पे निकले, लेकिन इस समय तक धूप थोड़ा सा नरम हो जाता था, लेकिन आज भाई ना कुछ दिख नहीं रहा आगे। मेरा आँख अभी भी बंद है थोड़ा सा, क्योंकि सामने सीधा सूरज आँख पे पड़ रहा है। ये सूर्य दोनों पहुँचा हुआ है। अब ये लोग का साइकिल तो है, लेकिन ये लोग किधर है भाई? किधर है किधर है? ओ इधर बैठा, मतलब किधर तेरा साइकिल यहाँ लगा के? सही है, अच्छा जगह ढूंढा है बैठने का। भाई साहब इतना गर्मी है, ठंडा लग, यहाँ से यहाँ तक आता था करुआ हो जाएंगे। हमको तो मालूम नहीं था सूजल जब फोन पर ना धूप है, मतलब धूप तो हर दिन रहता है, लेकिन आज अलग ही धूप है। टाइम क्या हो रहा है? 5 बज रहा है ऐसा धूप है, बताओ यहाँ से उतारेगा? ये सब लेना देता है ईंटा उठा पक्का सुता। 3, 2, 1 गो। पैदल उतरने मार जाता डर लगता है। जितना साफ सुथरे तरीके से इंसान नीचे साइकिल चला के उतर जाता है, पैदल ही पैदल जाने से पूरा कपड़ा भी गंदा, जूता भी गंदा, सब गंदा होता है। बहुत दिनों से ये साइकिल चला ही नहीं है, इसलिए हमको इसका ब्रेक का भरोसा नहीं है आज। चलो अरे भाई क्या किया ये इलेक्ट्रिक साइकिल ऑफ रोडिंग। तो गाइज यहाँ पे होने वाला है नो फ्रंट टायर व्हीली, और भाई देखो ब्रेक वगैरह खोल दिया है हाइड्रोलिक अपना, और इधर टायर भी निकल रहा है। कुछ नया करने वाला है सुजल। ये निकल गया चक्का, पकड़ चक्का पकड़ ले। ले जा ले जा ले जा ले जा, पकड़ चक्का पकड़ चक्का पकड़ ले चक्का। भाई देखो इतना सारा कांच है, देखो कितना सारा कांच है, और ये सब पे अगर साइकिल चढ़ेगा ना तो भाई पंक्चर होना ही होना है। बात करिए ना भैया, तुम अगला चक्का खाली पकड़ रहे, हम इधर से हेल्प कर रहे हैं। टोटल ही दे रहे हैं। देखा फायदा, इतना मुश्किल से चढ़ा है ऊपर, बहुत भारी है, बहुत भारी है। अभी तुरंत इतना ज्यादा धूप था, अचानक देखो क्या हाल हो गया। मौसम थोड़ा ठीक होगा, मौसम धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन तुरंत शाम हो गया। इलेक्ट्रिक का अभी इलेक्ट्रिक का बहुत दिन से वेट कर रहे थे यहाँ पे कि आ जाए, फाइनली आ गया। आइए। अच्छा पिकअप कर लिए, बूस्ट मोड। अच्छा बूस्ट मोड है पिकअप, मतलब कब माइलेज डाउन देगा। अच्छा फोर्ड में चलाइए। मैं ये गाड़ी सोच रहा हूँ साइकिल लोड करके राइड करने का, लेकिन भाई पता नहीं अब इतने स्टेट इसलिए ले रहे ना कि भाई मेरे को देखना है कि साइकिल लेके ये गाड़ी चल पाती है या नहीं चल पाती है। लेकिन ये गाड़ी चल तो रही है, सही है, माइलेज भी सही है, चार्ज करके आराम से यूज़ कर सकते हैं, साइकिल भी टान लेके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस हिसाब से हम लोग चलाते हैं ऑफ रोडिंग करते हैं, उस हिसाब से तो ये ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएगी। तो गाइस हम लोग लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हैं, और सुजल की साइकिल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, जाम जाम से चल रहा है। तो देखते हैं शोरूम में देखवा देते हैं साइकिल को, अगर ठीक हो जाता है तो कल हम लोग लॉन्ग राइड के लिए निकलेंगे कहीं। आ जाओ स्पीड में आओ। ओ साइकिल जाम है फिर भी मैनुअल हो रहा है। साइकिल में क्या हुआ बताओ? अच्छा मैं एक लॉन्ग राइड कैसे होगा तुम्हारा? साइकिल का हालत ऐसा रखेगा अभी लगेगा। ये चेक करो गाइस आज अपने ब्लॉग की पहली व्हीली। सस्पेंशन तेरा खराब हो गया इसलिए खटखट का आवाज आ रहा है। एक साल में साइकिल को एक बार फुल सर्विस करवाना जरूरी होता है, मतलब
क्या होता है ना, पूरा पार्ट पार्ट खुलता है, फ्रेम अलग, सस्पेंशन अलग, टायर अलग, सारा गोली वगैरह चेंज होता है ना, तो उसमें क्या है ना साइकिल का मेंटेनेंस ठीक होया रहता है। और कुछ ना कुछ हम लोग ब्रेक व्रेक देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं, जो जो ढीला होता है उसको टाइट करते हैं, तो वो फुल सर्विस में नहीं आता भाई, उसमें क्या है ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही आता है साइकिल में। क्या नाम है? ब्लॉग देखते हो? चलो ठीक है, बाय। तो फाइनली तुम लोग शोरूम से निकल रहे हैं, अभी मॉन्टर राइड करने का मन था, मॉन्टर राइड कर लिया। और क्यों हंस रहा है इतना? ये लोग बैठे बैठे रील देख रहा है, रील देख के हंस रहा है। आज सोचा नया स्टंट ट्राई करा, लेकिन हुआ नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा ना। क्या कर रहा था, एट रख दे रहा था और नो फ्रंट टायर वीली मार रहा था, चाह रहा था कि अगला टायर उड़े, उड़ करके वापस हाथ से पकड़ना चाह रहा था, लेकिन हुआ नहीं, करना है नेक्स्ट ट्राई करेंगे। वाइपर में हम भी थोड़ा बढ़िया बढ़िया स्टंट प्रैक्टिस करते हैं, नो फ्रंट टायर वीली वगैरह बढ़िया बढ़िया सीखना है अभी। अभी लॉन्ग राइड नहीं होगा, लॉन्ग राइड होगा, कल लॉन्ग राइड का प्लान हम लोग कर रहे थे, लेकिन इसका साइकिल में प्रॉब्लम हो गया, सर लॉन्ग राइड कैंसिल करना पड़ा, इसका साइकिल में गियर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फिर मैं ही को पकड़ेगा, बोला भैया तो पैडल लेता हमारे चल ही नहीं रहा साइकिल स्पीड में, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल यहाँ से। भैया लाइट ऑफ करने के इंतजार में है, तो निकला जाए शोरूम बंद होने तक, आज हम लोग यहाँ पर रुक गए। The next day. तो गाइज आज है नेक्स्ट डे, आज हम लोग निकल रहे हैं लॉन्ग राइड के लिए। जैसा कि संडे था तो सोच रहे थे संडे है तो भाई साइकिल से कहीं लॉन्ग चलते हैं, लेकिन सुजल का साइकिल, फ्यूज का साइकिल, दोनों का साइकिल एंड टाइम पे धोखा दे दिया, साइकिल में प्रॉब्लम हो गया। सुजल का साइकिल तो फुल सर्विस करवाना है, फ्यूज का साइकिल का थंब शिफ्टर चेंज करवाना है, तो इस वजह से हम लोग लॉन्ग राइड आज का कैंसिल कर दिए। और हम लोग कुछ दिन पहले गए थे पारसनाथ रॉयल एनफील्ड की तरफ से, तो भाई बहुत सारे बंदे अपने बाइकर फ्रेंड लोग जो है ना, बाइकर फ्रेंड लोग इधर में, तो वो लोग सब बहुत सारे बाइकर फ्रेंड अपने हैं जो मेरे को कमेंट कर रहे थे कि, और बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि इमरान भाई आप दूसरे के साथ बाइक राइड पे जाते हो, हम लोग साथ नहीं जाते हो, तो हम लोग के साथ भी चलना होगा। तो आज इन लोग का लॉन्ग राइड प्लान हो रहा था, ये सब बात हो गया सुजल पीयूष के सामने, तो सुजल पीयूष बोल रहे कि भैया चलेंगे तो हम लोग भी चलेंगे, आपको चलना ही होगा। तो हम लोग ठीक है संडे राइड है तो संडे को कहीं लॉन्ग जाते ही है, चलो कहीं बाइक से ही लॉन्ग चलते हैं। फिलहाल कहाँ जाने वाले मेरे को प्रॉपर लोकेशन वगैरह नहीं मालूम है, भाई लोग ही मालूम है, लेकिन मज़ा फुल आने वाला है ना, मज़ा फुल आने वाला है। लाल गैस पेट्रोल वगैरह लेते हैं और पीयूष और सुजल को उठाते हैं, चलो हवा वगैरह डल चुका है। मैं पेट्रोल तो है लेकिन जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक क्या हो गया, ये फ़ोन नहीं है, कैमरा है, ये पेमेंट वगैरह हो चुका है, चला जाए 200-200 मारा जाए। गाड़ी ज़्यादा खींचते भी नहीं है ना, गाड़ी चलाते कम है, इस वजह से खींचने में भी डर लगता है, मेरे गाड़ी ऐसे टाइम टू टाइम हमेशा सर्विस वगैरह हो ही रहती है। चलो ये हुई ना बात, अब देखो कैसे चार्ज हो गया, ये देखो जा रहे हैं ना, इसलिए ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि सब बंदे जान पहचान के रहेंगे और बहुत दिनों बाद अपने भाई लोग के साथ राइड कर रहे हैं। ये लोग भाई पकड़ लिया मेरे को, बोले कि इमरान तुम सब बाइक राइड कर रहे हो और हम लोग के साथ राइड पे नहीं जाओगे संडे राइड, तो गलत बात हो जाएगा। बोले ठीक है भाई चलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे भी हम लोग का साइकिल राइड आज कैंसिल हो गया है, साइकिल ख़राब हो चुका था इस वजह से। टायर स्किट करने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को, इसका टायर बहुत जल्दी हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि टायर का ग्रिप तो अच्छा है लेकिन लाइफ टायर का भी होता है ना, एक एज होता है, तो ग्रिप अच्छा है लेकिन एज हो चुका है टायर का, इसलिए टायर से रिक्स नहीं लेंगे, टायर चेंज कर देंगे इसका, इसलिए थोड़ा डिस्क ब्रेक मार मार के ना टायर घिस रहे हैं, थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा टायर चेंज करते हुए। हाँ भाई घिस दिया था थोड़ा सा, अभी गलती से नशा तो बोल दिया सुजल को, चला चला सुजल, सुजल पूरा खुद गाड़ी चलाने मिल रहा है पहले हमको पता था गाड़ी चलाना था, लाइसेंस बना उसके बाद चलाना, जितना मर्जी उतना मेरा गाड़ी चलाना। फिलहाल अभी डाकू मंगल सिंह बन चुके हैं, हेलमेट लगाते हैं, पीयूष को उठाते हैं, चलो। तुम लोग के चक्कर में R15 में तीन तीन वो बैठा पड़ रहा है, मेरे को पता, सब देख के डर जाएगा। अब यहाँ से R15 पे तो तीन बैठा रहे, लेकिन यहाँ आगे से मेरा एक फ्रेंड ज्वाइन कर लेगा, वो पीयूष को बैठा लेगा, बैठ गया। तुम लोग ना मेरा बेइज्जती करवाने में कसर नहीं छोड़ता है कहीं भी अपने बाइकर फ्रेंड लोग बोले भाई देखो R15 पे तीन तीन लूट हो गया है, क्या करें, अपना भाई लोग से इतना मोहब्बत ही है, कहीं भी जाते भाई लेके जाते इन लोगों, बोलो नहीं जो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे इन लोग भी करवाएंगे, इन लोगों को उतना मौका मिलता नहीं कहीं बाइक वाइक से जाने का।
सब ये सोच रहे कोई सुपर बाइक आ रहा है, पता है इमरान जल्दी आता ना ना बिजली अचानक टपके हैं। हाँ ठीक है, सुन रहे ये खाली एक ही हैंड सिग्नल है जो याद रखना, ये इसका मतलब हो गया मामा सामने पुलिस। तो ये सब भाई अपने पुराने बाइकर्स फ्रेंड लोग हैं, सब लोग भाई बढ़िया से पहचानते हैं मेरे को। लेकिन आईजी आईजी अरे यार आईजी कैसी का तैसी जो जो दोस्त इसको लेकर जाने वाला तो फोन काट रहा बार बार। किस्मत अच्छा है बच गया, देख जो फोन नहीं उठा रहा था कहाँ गए थे टाइम पे। अच्छा किया इसको, जानवर डरा गया था बोले अल्लाह राम नहीं जा पाएंगे और तो अच्छा हेलमेट नहीं मिला इधर, अच्छा साइकिल वाला हेलमेट नहीं, कहाँ पहन के आया पापा वाला हेलमेट पहनना पड़ा। तो गाइस अपनी बाइक भी किसी सुपर बाइक से कम नहीं है, देखो ये वो चार्ज करने का तरीका। ये जो भाई है ना भाई, ये व्हीली मारता है अपना ग्रुप में, ठीक है। तो ये अपना फ्रेंड है और ये व्हीली मारता है थोड़ा, मेरा तो अभी हाथ में जमा नहीं, बाइक उतना चलाते नहीं, देखो बगल से ऐसे निकल रहा भाई, डरा क्यों रहा है यार, बैकलाइट वगैरह फोड़ लिया व्हीली मार मार, कितना रोड पे गिरा है ना ये बंदा की क्या ही बताएं। मतलब कि हम लोग की नॉर्मल बाइक देखो, सब 150-200 cc वाला बाइक है, सारा बाइक यहाँ पे पहुँचा हुआ है, लेकिन जितनी 1000 cc बाइक है ना, 1000 cc 900 cc सारी बाइक भाई पीछे रह गई है। ये बाइक से ज्यादा लाउड आपका है, ये बाइक से ज्यादा लाउड मेरा बाइक है। जगह का हमको बोलने भी नहीं आ रहा है, तोप चाची झील या डैम जो भी वही है, तोप चाची झील या डैम है ना, ऐसा कोई जगह मेरे को बोलने नहीं आ रहा था। ये बंदा बोल रहा है कोई मेरे को ओवरटेक नहीं कर रहा, किसी को ओवरटेक करेंगे, मुझे सबसे आगे रह रहा है। नहीं नहीं स्पीड ज्यादा मत चलो, 147 में लॉक हो जा रहा है, 147 क्यों उठा रहा है बाबा 110 पूरा रेस लगाते हुए। नहीं 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 वो चीज नहीं करो, वो चीज सुन ना, वो चीज नॉर्मल सीसी बाइक है ना, पावर जाएगा लेकिन ब्रेक उतना स्पीड में नहीं लगेगा। तो आप जैसे हम लोग साइकिल राइड भी करते हैं तो कुछ कुछ अननोन बंदे रहते हैं, तो लोग जैसे तैसे साइकिल चलाते हैं, वैसे बाइक में भी वही चीज़ है, अननोन बंदे हैं तो उन लोगों को राइडिंग स्टाइल हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए मैं 2-3 बंदे जो अपने साथ में ना इन लोग को मैं बोला हूँ कि तो हम लोग के साथ ही राइड कर, मतलब मेरे साथ ही राइड कर, वरना दूसरे के चक्कर में जाओगे तो कोई ना कोई गिरवा देगा। ठीक है हाँ, अचानक इन लोग का मूड बन गया, बोले चलिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग रुके थोड़ा सा, यहाँ पे टिकट विकेट कटवाना है बाइक पार्क करने के लिए, और यहाँ से कोई लोकेशन तो हम लोग नहीं देखे, कहाँ जा रहे हैं ये भी मेरे को मालूम नहीं है, देखते हैं बढ़िया लोकेशन होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे सारी बाइक्स यहाँ पे है और प्लान करें कि भाई साइकिल से आएंगे। यहाँ पे एक स्टेशन दिखा रहा गोमो स्टेशन, गोमो स्टेशन से अगर साइकिल उतारते हैं तो आ ही जाएंगे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिल्ली का जितना चलता है उतना है, उतना सुभाष चंद्र बोस जंक्शन है यहाँ सबसे सामने में 7 किलोमीटर वही है। अच्छा तो वही पैदल चल के आ सकते हैं, और भाई ये पीछे पहाड़ देखो, ये पूरा पारसनाथ वाला ही पहाड़, मतलब पारसनाथ पहुंच गया अभी, अगर बात करें तो पूरा पूरी 100 किलोमीटर यहाँ तक गाड़ी चली गई हमारा, पूरा 100 किलोमीटर पे यहाँ पे रुके हैं। ठीक है भाई, अच्छा अच्छा लोकेशन बाइक से आकर के देख ले रहे हैं ताकि साइकिल लाने में आसानी होगा हम लोगों को, फिर साइकिल लेके आएंगे हम लोग इस जगह पे। 500 मीटर जाना है और बहुत सारी बाइक, इतना बाइक नहीं सोचे थे इतना बाइक हो जाएगा। आज का राइड स्पेशल हुआ भाई इन लोगों की जिद की वजह से, इसका और इसका यही लोग, इमरान भैया आज तो हम लोग का साइकिल खराब हो गया है, आज संडे है लॉन्ग राइड पे जाना है, चलिए बाइक से चलते हैं हम लोग, चलो यार चलते हैं। अपने बहुत सारे बाइकर्स फ्रेंड लोग भी बोल रहे थे कि इमरान बहुत दिनों से तुम राइड पे नहीं आ रहे, तो राइड पे आओ, और आज बहुत दिनों बाद बाइक लेके आए, तो बहुत लोग देख के बहुत खुश भी हो रहे हैं कि बहुत दिनों बाद बाइक लेकर के आए हैं राइड पे। उधर भूसा पे जो भैया हैं वो तो अच्छे से पहचानते हैं, वो भी बाइक देख के पहचान गए। टिकट आई है, रख इसको ऐसा कर, खा जा एक बार, एक बार और ये लोकेशन पे आने के लिए भाई साइकिल से रास्ता समझ में आ गया है, एक स्टेशन है, स्टेशन पे उतर के यहाँ पे 7 किलोमीटर की लोकेशन है, लोकेशन अगर देख लेते हैं तो भाई पक्का यहाँ पर साइकिल लेके आएंगे किसी दिन लॉन्ग राइड पे। आज तो मौसम अजीब सा था, मेरे को लगा बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाला, लेकिन भाई झारखंड में जैसे एंटर किया ना भाई, इधर का मौसम सही है, क्या व्यू है, मज़ा आ रहा देख के लोकेशन ये वाला। गाइस ये लोग क्या है ना, ये लोग भाई शांति से एक जगह पर बैठने वाला इंसान है, हम लोग जो एडवेंचर करते हैं ना वो एडवेंचर ये लोग को नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग गाड़ी जहाँ तहाँ घुसा देते हैं, हम लोग पानी के पास लेकर जा रहे हैं गाड़ी।
क्या मजेदार आवाज करता ब्रेक मारने के बाद। आराम से लोकेशन चेक करो गाइस, क्या लोकेशन है। व्यू चेक करो गाइस, क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। नहाना है, चल तो को नहलाते हैं। अब देख आ रहा, बोलो देख बोलो ना, पहले हम लोग पहुंच के तो सब आएगा फिर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके लोकेशन पे। भाई लोग क्या बोल रहे, वहां से गाड़ी देखे कैसा लग रहा था। ये लोग सारे लोग वहाँ पे, मैं बोला यहाँ पे चलो, कोई आने के लिए तैयार नहीं था, बोले हम जाते हैं ऑफरोडिंग करेंगे आराम से। कोई तो समझते ही नहीं कुछ, ऐसा साइकिल घुसा देता है वैसे घुसा दिया। इसको लेकर फिलहाल यहाँ पे बैठा अपनी बाइक पर, लोकेशन चेक करो गाइस, पूरा पहाड़ वहाड़ आ रहा है। अब इस पर आने का मन कर रहा है हमको भी, चल 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 नहाते वाते। अब ये लोग बाइक लेकर के देखो, सारे बंदे जा रहे हैं ऐसे ऐसे, अब वहाँ पे जाकर बैठेगा। तो गाइस सुजल लेके आया फोन, हैंड टच जूम वाला, देखो वहाँ पे दूर में ना पीयूष लोग हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं ना सुजल कि भैया वो लोग कुछ खा रहा है। भाई जूमिंग खतरनाक है इस फोन का। हाँ यार कुछ खा रहा है वो लोग, चीटिंग करता है ये लोग हम लोग के साथ। गद्दारी कर दिया, वो उधर बैठ के खा रहा बोला आ रहे आ रहे। भाई आप जाके सारी सुपर बाइक यहाँ पे आई। भाई देखो ये लोकेशन, ये लोग आने के लिए भाई इतना टाइम लगा दिया, डर रहा था इधर आने के लिए सब। खड़ी अपने ड्रीम बाइक हायाबुसा, ये जेन 2 मॉडल है और वाइट एंड रेड कलर में। अपना तो R15 जो है वाइट एंड ब्लू कलर में, और वाइट ब्लू में काफी अच्छा लगता है, वाइट रेड भी काफी अच्छा लग रहा है। आज कूलेंट लीक नहीं करना चाहिए। अपने आसनसोल में भाई हाई अलर्ट आ गया, तूफान आने वाला है। और भाई हम लोग अभी झारखंड में, ऐसा ना कि भाई जाते जाते भाई तूफान मिल जाए रास्ते में। झारखंड में है तो सेफ है थोड़ी देर के लिए हम लोग, लेकिन अभी आसनसोल जाएंगे तो भाई फंस जाएंगे बहुत बुरा, बारिश वारिश मिल जाएगा। यहाँ पे सारी बाइक का लाइनअप। भाई लोकेशन लेकिन जबरदस्त है, इधर साइकिल लेके आएंगे एक बार घूमेंगे इधर साइकिल से। भाई सब बाइकर्स लोग के साथ चलोगे ना, कहीं कुछ खाने पीने के लिए रुकेगा ही नहीं लोग। मतलब हम क्या किया ना, अपने जो जो बंदे साथ में है ना वो लोग को रोक लिए। यहाँ पे भाई तरबूज मेरे को दिख गया, बहुत जोर का भूख लगा। भाई उधर गए ना तो उधर कुछ खाने पीने का है ही नहीं, खाली पहाड़ी पहाड़ है, तो भूख लगा हुआ था बहुत जोर का। यहाँ तरबूज वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे। पीयूष तो आगे चला गया, जो दोस्त के साथ बैठा हुआ है तो उसी के साथ है, उसको बोले आगे रोको। तीन गाड़ी हम लोग साथ में आराम से जाएंगे इधर से। तो फाइनली गए, खाना पीना इधर हो चुका है और हम लोग निकल रहे अभी यहाँ से। फाइनली गई तो मतलब पहुंच चुके घर। बहुत ही मजा है आज का बाइक राइड करके, और साइकिल राइड भी हमने किया था। बाइक राइड आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कभी कभी बाइक राइड डालता हूं, इससे आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। अगर आप लोगों को बाइक राइड पसंद नहीं है तो आप कमेंट जरूर कर दिएगा। अगर बाइक राइड आप लोगों को अच्छा लगता है तो कभी कभी बाइक राइड भी हम लोग जो करते हैं वो चीज़ भी आने वाला है। और मज़ा तो भाई फुल आया है, बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हैं, क्योंकि हम लोग का साइकिल राइड कैंसिल हो गया तो कम से कम बाइक राइड तो हो पाया। घर पर बैठे रहने से अच्छा कहीं हम लोग घूम लिए, एक बढ़िया लोकेशन देख लिए जहाँ पर हम लोग साइकिल लेकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, बाय।